वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों का दिल्ली के ओखला के क्राउन प्लाजा पर किया जा रहा है जुर्माना। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसमें सिर्फ असेंशियल सर्विस पर जाने वाले लोगों को ही रोड पर जाने की छूट है। बाकी लोगों के लिए ई पास जारी किया जाएगा, और जिन लोगों के पास ई पास नहीं है या फिर कोई वैध वजह नहीं है रोड पर घूमने की, उनके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है या उनके ऊपर जुर्माना किया जा रहा है। तस्वीरें आप ओखला के क्राउन प्लाजा रेड लाइट की देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस चेकिंग के दौरान पिकेट लगाकर उन लोगों को पकड़ रही है जो बिना वजह सड़कों पर घूम रहे हैं, और उन पर 188 के तहत कार्रवाई कर रही है और बाकी जुर्माना उन पर लगा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच यह वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया है। बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। प्रेम सिंह जी, यहाँ पे आपको चेकिंग के दौरान रोका है, आपके पास ई पास नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ई पास सर नोएडा के लिए कहाँ है, दिल्ली में सर, वो नोएडा में नौकरी करते हैं, नोएडा में नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला या तो आओ नहीं तो घर बैठो, अपने वैसे ही नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो किस तरीके से अभी क्या 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 कहा गया आपको? कुछ नहीं सर, वो कुछ बोल ही रहे हैं, चाबी लेकर बैठे हैं, रोक के रखा हुआ। तो अभी चलान होगा, किस तरीके से देख रहे हैं कार्रवाई होगी? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरी ड्यूटी है नोएडा में जी, नोएडा में आज लॉकडाउन है नहीं, तो जो दिल्ली वाले हैं वो बेचारे वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने रोक रखा है, क्योंकि अगर हम वहाँ बोलते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ तो कह रहा है कि हमारे तो स्टोर खुले हैं, अगर ऐसे करते रहेंगे तो पहले हम कोरोना से निकल रहे हैं, इस बार और प्रॉब्लम हो जाएगी तो घर ही बैठ जाएंगे, सोसाइटी करनी पड़ेगी फिर। तो देख रहे हैं इस बीच आम आदमी फंस रहा है बहुत ज़्यादा सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही, और चलान भी ऐसे कर रखे हैं जो सैलरी के बराबर है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ, आप पास कर रहे हैं स्पीकेट से? एसेंशियल है सर, आई कार्ड है गले में और कंपनी ने कुछ प्रोवाइड कराया हुआ नहीं। आपके पास ई पास नहीं है? आपके अभी नहीं है, मैंने अप्लाई करा हुआ, वो पेंडिंग में है स्टेटस, उसका 3 दिन से अप्लाई कर रखा है, और नोएडा में है नहीं, मेरी ड्यूटी नोएडा में है, वो कह रहे हैं कि नोएडा में कल से आपको आना ही पड़ेगा, तो सर हम यहाँ से भी फंस गए और वहाँ से भी फंस गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ।